सभी को जय हिंद। तो फाइनली आपका जो है इंतजार खत्म हो गया। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर आप आरपीएफ कांस्टेबल या फिर आरपीएफ एसआई में ज्वाइन करना चाहते थे और भर्ती की इंतजार कर रहे थे, अगर आप आरपीएफ में जाना चाहते हैं, आरपीएफ में ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका सपना है, तो भाई ये जो है आपका सपना बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। आज जो है फाइनली आरपीएफ का जो एक नोटिस आई है, एक समझिए तो ऑर्डर के रूप आया है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि भाई आपकी जो अगली भर्ती आने वाली है वो कब तक आने वाली है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये आज की इस वीडियो में उन सारे बातों को कवर करेंगे कि क्या वीडियो को अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका जो नोटिस में कहना क्या चाह रहा है, इसमें बदलाव क्या हुआ है। देखिए पहले होता था, इस नोटिस के अनुसार हम बोल रहे हैं, तो पहले होता क्या था कि आपका 2018 में जो इसके पहले जो वैकेंसी आई थी आरपीएफ का, उसमें एग्जाम फिजिकल मेडिकल ये तीनों जो प्रोसीजर था वो आपका आरपीएफ ही करवाई थी। ठीक है, जैसे आपका एसएसजीडीएम होता है, आपको जो एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट करवाती है और फिजिकल मेडिकल जो आपका सीआरपीएफ कंडक्ट करवाती है। तो पहले भी आपका जो है आरआरबी जो है मतलब आरपीएफ जो था वो पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, पहले का पूरा जो एग्जाम हो जाए, फिजिकल हो मेडिकल हो, जो भी प्रोसीजर होती है वो आपका आरपीएफ ही कंडक्ट करवाती थी। लेकिन इस बार जो है यानी इस वैकेंसी जो आने वाली है आपका 16 अक्टूबर से जो आने वाली है, उसमें ये साफ साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि भाई ये आरआरबी जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और पीएचटी और जो मेडिकल है वो आप खुद यानी आरपीएफ करवाएगी। ठीक है, तो अब जो है भर्ती दोनों अलग अलग में बढ़ जाएगी, आपका जो प्रोसीजर है तो डेफिनेटली आपको फास्ट होने की संभावना है। ये जो आपका है नोटिफिकेशन कब आने वाली है, तो आपका 16 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आ जाएगी, यानी कि आज से 4 से 5 दिन के बाद आपका जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है आपको फॉर्म अप्लाई करने का। ठीक है, और ये जो भर्ती है आपको 12,000 प्लस है, जिसमें आपको एसआई को भी इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि कांस्टेबल प्लस एसआई दोनों को मिलाकर आपको 12,000 से ज्यादा जो वैकेंसियां आने वाली है। ये तो अभी तो एक अपकमिंग के तौर पर है, बाकी आपको 12,000 से भी ज्यादा को भी देखने को मिल सकता है। और डेफिनेटली जब आरपीएफ, तो हालांकि आरपीएफ का जो है पहले से भी नोटिफिकेशन वायरल हो रही थी, लेकिन आज जो है फाइनली आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है, तो डेफिनेटली इस पर आप श्योर कर सकते हैं। आपके पास जो है बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप डेफिनेटली आपको 4 से 5 दिन के बाद आपको फॉर्म भरने का आपको जो है देखने को मिल सकता है। बहुत जल्द आपका जो है ग्रुप डी यानी आरआरबी ग्रुप डी का भी वैकेंसी जो है देखने को मिल सकता है, चूंकि और जो एएलपी है असिस्टेंट लोको पायलट, इसकी जो भर्तियां हैं वो पहले भी आने वाली है, बहुत ज्यादा आने वाली है। इसका जो है पहले से भी हम बता रहे हैं, आपका कम्युनिटी के माध्यम से आपको पोस्ट कर रहे थे कि जो एएलपी की जो वैकेंसी है वो है जो कमिंग सून, यानी कि बहुत ज्यादा आने वाली है। हालांकि आरपीएफ का जो है 6 महीने पहले से ही चल रहा था कि आपको कब देगी भर्ती, कब देगी प्रोसीजर में थी, लेकिन आज जो है इतना फास्ट निर्णय लिया गया, मतलब कि सोच नहीं सकते हैं कि आपको एक ही दिन में आपका जो है ऑर्डर दे दिया गया। हालांकि जो पद्धति जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकती है, उसके लिए आपको 5 दिन का समय मांगा गया है। आपको 16 अक्टूबर को जो है आपका फाइनली आदेश जारी कर दिया जाएगा, और जो 16 अक्टूबर है आपको सरकारी ऑफिशियल सरकारी एजेंट पर आपको देखने को मिल सकता है फॉर्म भरने की। ठीक है, आपको कितनी वैकेंसी रहेगी यानी कितनी आपका पोस्ट रहेगी, अभी तो खैर 12,000 प्लस जो है एस्टिमेट किया जा रहा है, आपका अप्रोक्सीमेट किया जा रहा है, लेकिन जो एक्चुअल होगी आपको 16 अक्टूबर को ही देखने को मिलेगा। आपका एज लिमिट जो है 18 से 25 जो कि आपका रहेगा, वही आपका पहला एज है वही रहेगा। हाँ, देखिए इसमें एज रिलैक्सेशन मिलती है या नहीं, ताकि इतनी लंबी पीरियड के बाद आपको वैकेंसी आ रही है तो डेफिनेटली एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि अभी से मात्र आपको 5 से 10 दिन आपको फॉर्म में है और आपको 1 से 2 मंथ आपको एग्जाम में लगने वाले हैं। ठीक है, तो अभी से आपको डेफिनेटली 2 से 3 महीने आपके पास समय है, तो अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अभी से लग जाए, और ये जो है आपका 16 अक्टूबर को देखने को मिल सकता है सरकारी रियल पर आपको फॉर्म भरने के लिए। पुरानी जो भर्ती आई थी आपको 2018 में आई थी, और उसके बाद आपको 2023 में, यानी कि 5 सालों के बाद आपको जो है नई भर्ती आने वाली है, तो इतनी डिले होने हुआ है, इसका मतलब कि डेफिनेटली आपको जो पोस्ट है वो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ही ज्यादा आने वाली है। तो मैं तो इस्टीमेट कर रहा हूँ कि आपको 12,000-13,000 कम से कम आएगा ही। ठीक है, लेकिन वो कम से कम भी आपको 15,000 दे देगा आपको आरपीएफ। हाँ, इसमें ये जरूरी है कि आपको एसआई को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, बाकी जितने भी तरह से नए नए अपडेट आती है हम वीडियो के माध्यम से बनाकर बताते रहते हैं। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को एक सपोर्ट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा जरूर कमेंट दीजिएगा, बाकी आप अपने सुझाव जो है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।